हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए थे यहाँ पर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और काफ़ी पीछे खूबसूरत लोकेशन देख सकते हो आप। पीछे सरसों के खेत लगे हुए हैं, सरसों लगी हुई है नज़रबड़ी के अंदर। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5:30, 5:30 में थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, और ट्रैफिक से दूर हम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आए थे यहाँ पर, जो कि काफ़ी आने के बाद हमें काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आज बनाने वाले हैं गोलगप्पे, और अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा गोलगप्पे का सामान लेने के लिए, और मुझे बीच में काफ़ी अच्छी सुंदर लोकेशन दिखी खेतों के साथ। वही अभी गोलगप्पे में पड़ने वाली जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक जैसे धनिया है, पुदीना है, और अभी वो ले रहे हैं हम लोग। ये हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सारी की सारी सब्जियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। ओए कितनी बड़ी हो रही है, ये लेनी है चल गम। ओ ये रे आम, ओ ये रे कच्चा आम, हाँ पके हुए लग रहे हैं। सो गाइस फाइनली आम भी मिल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आम नहीं मिल पाएगा। गोलगप्पे के अंदर एक आम का अलग ही मज़ा आता है। गोलगप्पे सो गाइस घर पे आ चुके हैं, और सारा सामान मिल चुका है, और अभी ट्राई करते हैं बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस गोलगप्पे की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये है धनिया पुदीना, और ये जो है ये इमली गरम हो रही है, और ये है जो तेल गरम हो रहा है, ये आपका वो वाला है रिफाइंड ऑयल है, और ये हमने सूजी निकाल ली है। सो गाइस एज यू कैन सी कि तेल बहुत ज़्यादा खौल रहा है, तो सबसे पहला जो मतलब मेन स्टेप है, सीक्रेट भी कह सकते हैं इसको, जो हमने ऑनलाइन पर देखा था, यूट्यूब पर देखा था, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल के अलावा और कोई तेल इस्तेमाल नहीं होता, देसी घी और ये सब सरसों का तेल और वो सब। सो ये जो है तेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म कर लिया गया है, ठीक है। अब इस गर्म तेल को आपको ये सूजी है, सूजी के ऊपर डालना है गर्म गर्म तेल को। ये एक मेन सीक्रेट कह सकते हैं इसको। सो इस तरीके से गरम तेल आपको डालना है, जिसकी वजह से जो गोल गप्पे होते हैं, और इसको हाथ से नहीं चम्मच से मिक्स करें, हाथ जल जाएगा। सो गाइस इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी करना है, और तरीके से इसको मतलब इसके अंदर जो रिफाइंड है वो अच्छे सूजी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, लाइक दिस। हाथों से आपको मसलना है, ये वार्म वाटर है, हल्का सा इसे वार्म कर लिया, और वार्म पानी के साथ इसको आपको भूनना है सूजी को। इसमें सिर्फ सूजी है, सिर्फ और सिर्फ सूजी है, सूजी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसके अंदर, मैदा और अरारोट वरारोट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूजी है ये। गोलगप्पे फूलने का ट्रिक वही है, जो आपको सूजी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, और रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना है, और आपको गर्म कौलता हुआ तेल डालना है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। सो ये सब मेन मतलब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं चार, वो हमने इसके अंदर मतलब हमने काट पीट के तैयार कर लिए, काट के पीट के नहीं काट के। सो एज यू कैन सी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो कच्चा आम है, हरी मिर्च है, और ये धनिया है, और पुदीना है। जो गोलगप्पे का जो पानी बनेगा उसके अंदर ये चार चीज़ें होंगी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिल पाएगा कच्चा आम, सो कच्चा आम भी मिल गया, और कच्चे आम की वजह से चार चांद लग जाते हैं पानी के अंदर, गोलगप्पे के पानी के अंदर। सो अगर आपको कच्चे आम मिल जाए तो कच्चे आम ज़रूर डालें। मैं शेफ नहीं हूँ, मगर थोड़ी बहुत नॉलेज है खाना मतलब बना बना के। अभी इसको एक घंटे बाद फिर सो आपको इसको अभी रखना है काफ़ी देर तक, अराउंड एक घंटे तक आपको रखना है, और दोबारा से उसको गूंदना है। एक घंटे बाद आपको फिर दोबारा से इसको हल्का सा हाथ लगा के मैश करके गूंदना है,
तो उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा गोलगप्पे के लिए। चटनी, लाल चटनी जो बनती है गोलगप्पे के साथ, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं और वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सो ये जो है ये ब्लैक काला नमक है, ये नॉर्मल नमक है, ये मिर्ची है लाल मिर्च, और ये आपका ज़ीरा पाउडर है, ये आपका कश्मीरी मिर्च है, ये सौंफ है, ये नॉर्मल ज़ीरा है साबुत ज़ीरा, और ये गरम मसाला है, और ये जो है ये गुड़ है, और साथ ही साथ ये जो है ये एक अरारोट पाउडर आता है, अरारोट आता है उसका वो पानी डाल के उसका वो तैयार किया है, अरारोट कहते हैं इसे, अरारोट कहते हैं इसे, गाढ़ा करने के लिए होता है ये चटनी को, मतलब एकदम डार्क गाढ़ा बनाने के लिए। और ये है इमली का पल्प, इमली को भिगो के उसके अंदर फिर उसके मतलब सारा कुछ निकाल के, खाली पानी है इमली का ही, तो तैयार किया गया है। डाल दे। सो गाइस तेल के अंदर जा रहा है सौंफ और ज़ीरा, इनको हल्का हल्का सा भूनना है। मेन जो गोलगप्पे बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स जो लोग नहीं बना पाते वो इस वीडियो को देखने के बाद गोलगप्पे ज़रूर बना लेंगे। अभी पल्प डाल दिया है इसके अंदर, हल्का सा जो ज़ीरा और वो था सौंफ वो भूनने के बाद उसके अंदर पल्प डाल दिया है। अब जाएंगे इसके अंदर ये गुड़ गया, मसाले अभी नहीं जाएंगे, पहले गुड़ जाएगा, गुड़ जब पिघल जाएगा उसके बाद में मसाला। अभी गुड़ पिघलने का इंतजार करते हैं। इसके अंदर लाल चटनी के अंदर जा रहे हैं सारे के सारे मसाले, ये गए चले गए। और ये कब डालना है अरारोट? ये अभी इसको ऐसे मतलब घुमाते चलाते चलाते। सो गाइस अब अरारोट को धीरे धीरे डालना है चटनी के अंदर, मतलब स्लोली स्लोली चलाना भी है और उसको साथ में धीरे धीरे डालना है ताकि ये एक साथ ही मतलब वैसा ना हो जाए, जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम ना रहे, इकट्ठा ना हो जाए। सो इसके बाद अभी बनाते हैं हम पानी। सो गाइस चटनी को ऐसे लो फ्लेम पे पकाना है आपको, और इससे क्या होगा कि गाढ़ी हो जाएगी लो फ्लेम पे पकाने से, तो हल्का हल्का गाढ़ापन आ जाएगा साइड्स में, ये सब साइड में इकट्ठा होने लगता है ना यहाँ पर, मतलब इसका मतलब है चटनी पक चुकी है। और जब आप इसको बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे तो अपने आप ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जो गोलगप्पे का पानी बनने वाला है उसके मसाले हैं ये भी सेम मतलब चटनी की तरह ही होते हैं। सो इसके अंदर काला नमक है, ये नॉर्मल नमक है, ये ज़ीरा पाउडर है, और ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है थोड़ा सा, ये आमचूर पाउडर है, और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, और ये जो है ये हींग का पानी है। हींग का पानी भी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो अब हम डाल दें इसको पानी के अंदर, ये डाल दिया हमने पानी के अंदर, सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। सो भाई जब ये जो ग्रीन चटनी तैयार करी थी इसमें पता ही आपको क्या क्या था, तो भी जा रही है इसके अंदर पानी के अंदर, और ये पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेस्टी होने वाला है क्योंकि हम पहले भी बना चुके हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो अभी ये चटनी डाल चुकी है इसके अंदर, और ये पानी ये पानी है गाइस, और ये है चटनी, और जो चटनी में जो फ्रेगनेंस आ रही है बहुत ही ख़तरनाक फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत ही अल्टीमेट खुशबू आ रही है, क्योंकि मसाले हमने सारे के सारे बढ़िया मसाले डाले हैं, बढ़िया इन द सेंस जो जो चीज़ें डलती हैं कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है। सो अभी जब गोलगप्पे मेन टास्क आने वाला है, और थोड़ी सी वो है नर्वसनेस है कि गोलगप्पे फूलेंगे या नहीं फूलेंगे, सो पूरी वीडियो बर्बाद हो जाएगी अगर गोलगप्पे नहीं फूले, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, हमने पहले बना रखे हैं इसीलिए गोलगप्पे फूलेंगे, इतना थोड़ा सा यकीन है। थोड़ा सा पलटना इनको मुश्किल रहता है, एक्चुअली हम हलवाई तो हैं नहीं, बाकी बढ़िया तरीके से फूले हैं और एकदम बेहतरीन कलर आ रहा है। सो गाइस ये आलू है गोलगप्पे के लिए, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ
जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, जरा सा नमक, हल्का सा जीरा पाउडर, हल्का सा अमचूर पाउडर, अच्छे हो गया है। और भी प्रिपेयर हो चुके हैं गाइस, ये गोलगप्पा तैयार हो चुके हैं और टेस्टिंग के लिए हमने बुलाया है मास्टर शेफ मम्मी जी को। थोड़ा सा डालनी, पानी ज्यादा मत डालनी, बस बस बस। और मम्मी और डालना पॉइंट है, भर दे, मना कर रही है ना, चटनी डाल मीठी, बस बस बस। सो हम बताएंगे मम्मी जी कैसा है गोलगप्पा। कैसा है? बहुत बाहर जैसे लगे, कैसे लगे? मुंह नहीं चल पा रहा है अभी। अभी भरा पड़ा वो। बाहर से भी अच्छा टेस्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, मम्मी को गोलगप्पे पसंद है। ये रेड चटनी है और ये गोलगप्पे हैं, ये आलू है और ये पानी है। सो मैं अभी एक तोड़ के दिखाता हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये थोड़ा जलेगा, एकदम क्रिस्पी गोलगप्पा बना है। सो गाइस लेट्स टेस्ट गोलगप्पे, टेस्ट करते हैं अब। आइए, काफी क्रिस्पी एकदम बढ़िया गोलगप्पे बने हुए हैं। रेड चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो गोलगप्पा रेडी, चिप्स। बहुत ही बढ़िया चटनी के अंदर जो फ्लेवर है बहुत ही अल्टीमेट है, और पानी भी काफ़ी अच्छा है, एकदम बैलेंस्ड पानी है, ना लाल मिर्ची है, हाँ कोई चीज़ चीज़ की कमी भी नहीं है, नमक में कोई कमी है, और गोलगप्पे काफ़ी क्रिस्पी हैं। एक और टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस जो गोलगप्पे बनाने वाला मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।